नमस्कार, न्यूज क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजनीति की। जी, राजनीति की। इस सरकार के हिसाब से, मोदी सरकार और उनके मंत्रियों के हिसाब से, अगर हम, आप या कोई नेता गरीब की बात करता है, गरीबों के लिए बात करता है, गरीबों के साथ बैठता है, दुख दर्द उनका सुनता है, तब तो हो जाती है राजनीति। लेकिन अगर गरीब विरोधी नीतियों को वो लागू करते हैं, कहते हैं कि मजदूरों को 12 घंटे काम करने होंगे, कहते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम प्राइवेट करेंगे, उनको बेचेंगे, तब वह राजनीति नहीं होती। जब अमीरों के लिए खजाना खुलता है तब वह राजनीति नहीं होती। लेकिन गरीबों को जब कैश, नकद देने की बात होती है तब उसे राजनीति कहा जाता है। यहां एक बहुत अहम बात है, राजनीति जब वे करें तब अच्छी, जब गरीब अपने लिए हक माने तब उसे राजनीति कहते हैं। और वहां राजनीति कोट अनकोट बहुत बुरी चीज हो जाती है, मानो जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें राजनीति नहीं करनी, वे राजनीति नहीं करती। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जो कुछ हो रहा है, क्या वे राजनीति नहीं है? दोस्तों, इस समय देश की सड़कों का जो हाल है, तमाम शहरों से गांव की ओर जाने वाली सड़कों का हाल है, जिस तरह से भारतीय नागरिक अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी आस को बचाने के लिए सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उनकी तादाद लाखों में है। यह नज़ारा शायद आपने, हमने, हमसे पहले की पीढ़ी ने नहीं देखा। बताने वाले बताते हैं कि आज़ादी के दौरान जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ, उस समय ये दृश्य इस तरह के दिखाई देते थे, हालांकि आवाजाही दोनों तरफ से थी। यानी आज़ाद भारत ने यह दृश्य कभी नहीं देखा। यह दृश्य इतना खौफनाक है, इतना हौलनाक है और विकास की धज्जियां उड़ाने वाला है कि इस पे चर्चा करने को जिस तरह से सरकारें तैयार नहीं हैं, वह और डराने वाली बात है। और यहां आप ध्यान दीजिए कि ये जो गरीबी सड़कों पर पसरी हुई है, ये जो श्रम सड़कों पर पसरा हुआ है, इसके बारे में सरकारों का रवैया क्या है? वे चाहते हैं कि ये हमें और आपको दिखाई ना दे, ये इनविजिबलाइज हो जाए, अदृश्य हो जाए गरीबी और गरीब। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या आदेश करते हैं कि कोई भी उनकी सरहद यानी उत्तर प्रदेश की सरहद में पैदल ना आए, साइकिल पर ना आए, ट्रक में ना आए, बसों में बैठ के ना आए। यानी जो गरीब जाना चाहते हैं, जो जाने के लिए उतारू हैं, वे किसी भी सूरत में सड़कों पे ना दिखाई दें, ताकि जो पूरी की पूरी व्यथा उनकी हमें और आपको दिखाई दे रही है, वो किसी को दिखाई ना दे। और इसीलिए आप देखिए क्या नजारा तमाम बॉर्डर्स पे दिखाई दे रहा है। यहां सरहद की बात नहीं कर रहे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली सरहद की बात हो रही है। वहां आपको दिखाई देगा हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिस तरह से हजारों मजदूर, प्रवासी मजदूर जमा हुए, उसने एक बात साफ कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मुख्यमंत्री जो भी दावा कर रहे हैं, चाहे ताली बजाने का, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का, वह सब फर्जी है। लोग खुद को जिंदा रखने के लिए अपना घर वापस जाना चाहते हैं और यह उनका संवैधानिक हक है। जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा में पुलिस उन पे बर्बर लाठी चार्ज कर रही है, यहां ध्यान दीजिए कि जिस तरह से पहले कोरोना पीड़ितों को अपराधी बनाया गया, ठीक उसी तरह से इस समय प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है जैसे वे अपराधी हैं। अपने जीवन को बचाने के लिए जो भारतीय नागरिक सड़कों पर हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, उनको बस मुहैया कराने की जगह, उनको ट्रेन मुहैया कराने की जगह, समय पर सारी सुविधाएं मुहैया कराने की जगह इंडियन स्टेट उन पर लाठी चार्ज कर रहा है, उन्हें अदृश्य बनाने की कोशिश कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह बेहद चिंतनीय है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से संकट कितना गहराया है,
इसका एक उदाहरण हमें मिलता है नास्कॉम की रीसेंट स्टडी से, जो हालिया उसका अध्ययन आया है। नास्कॉम सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीय संगठन है। इसके हिसाब से जो 68% स्टार्टअप हैं वह बंद होने के कगार पर हैं, और इनमें से 48% या तो बंद हो चुके हैं या अपना बोरिया बिस्तरा समेट चुके हैं, समेट रहे हैं, यहां पर परिचालन इनका बंद है। इससे कम से कम एक बात का अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं कि जो लाखों की तादाद में मजदूर इस समय सड़कों पर हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है कि इनके पास इस समय कहीं कारोबार नहीं है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है, रसातल में जा रही है, और ऐसे में जो बुनियादी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी वह सरकारें नहीं दे रही हैं। इस बारे में हमने बात की राइट टू फूड एक्टिविस्ट, जो भोजन के अधिकार पर काम कर रही हैं और दिल्ली में रोजी रोटी अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, अंजलि भारद्वाज से, और उनसे जानना चाहा कि राशन मुहैया कराना आज की तारीख में भी इतना बड़ा चुनौती, इतना बड़ा संकट क्यों है। अंजलि, स्वागत है आपका न्यूज क्लिक में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो आप दिल्ली हाई कोर्ट गए, आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया, हमें बताएं कि क्या कुल मिला के वो मामला है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज लोगों को लॉकडाउन के दौरान जो है वो खाद्य सुरक्षा की है। जिससे भी पूछें उन्हें यही परेशानी है कि कहाँ से खाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। तो खाद्य सुरक्षा का मामला एक तरह से सबसे संगीन मामला बना हुआ है, और बहुत जरूरत है कि सरकारें लोगों तक राशन पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास कोई भी आमदनी का जरिया नहीं रह गया है। उनकी जो सेविंग्स हैं वो भी खत्म हो गई हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ग्रेनरीज जो हैं, गोडाउन भरे पड़े हैं, ओवरफ्लोइंग हैं, 80 मिलियन टन्स उसके अंदर है। तो बहुत जरूरी है कि लोगों तक राशन पहुंचे और ऐसा कोई इंसान न रहे जो भूखा रहे। तो इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज कि सरकारें ये माने कि हम सभी को राशन देंगे जिनको जरूरत है, और दूसरी चीज है कि सरकार ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि अगर किसी को राशन नहीं मिलता तो उस शिकायत को तुरंत उसका निवारण कर दिया जाए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी कोर्ट गए हुए थे, और उस केस में एक इंटरवेंशन डाली गई, एप्लीकेशन डाली गई, जिसमें यही मांग उठी कि सभी को राशन मिलना चाहिए, आसान तरीके से मिलना चाहिए है, कोई भूखा ना रहे दिल्ली में, और जो शिकायत निवारण के जो प्रावधान हैं, स्टेट फूड कमीशन है, अगर कोई शिकायत करते हैं तो वो शिकायतकर्ता की शिकायत तुरंत उसका समाधान होना चाहिए जिससे कि कोई भूखा ना रहे। अब इसमें ये बात बहुत जरूरी है कि दिल्ली ने जो हमारे दिल्ली में एक 1.9 करोड़ लोग हैं, उसमें से 40% से भी कम लोगों के पास, 72 लाख से कम लोगों के पास राशन कार्ड है। तो इसका मतलब लाख से कम, जी, तो इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स, जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने भी माना है कि ऐसे लोगों को राशन की जरूरत है, और उन्होंने ई कूपन का सिस्टम स्टार्ट करा। अब दिक्कत यह है कि ई कूपन में अगर किसी को आवेदन करना हो तो उनके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो अंत गरीब हैं, जिनको राशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लोग इस पूरी जो सिस्टम है इससे बाहर छूट रहे हैं। तो जो कल दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर आया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंसान दिल्ली में भूखा नहीं रहना चाहिए, यूनिवर्सलाइज करिए, और ये ई कूपन का सिस्टम ये तो ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप का सिस्टम है, इसे बंद करिए, और जो भी आए खाना लेने के लिए, राशन लेने के लिए, उन्हें राशन पहुंचाइए, और ई कूपन अगर चलाना भी हो सरकार को तो उसका कोई सिस्टम ये नहीं हो सकता है कि आप लोगों को इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स रखें। जी, तो ये एक अहम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में दिया। इसी से जुड़ा एक और जो सवाल है कि ठीक इसी समय हम देखते हैं कि
कि MHA जो गृह मंत्रालय है वो अपना पुराना एक ऑर्डर जो इसी समय उन्होंने जारी किया था कि तमाम लोगों को वेतन दिया जाए वह कल वापस लेता है, और वो भी ऐसे समय जब हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो मजदूर हैं जिनको अभी पहले ही वेतन नहीं मिल रहा है जो वापस जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कारण जो बता रहे हैं वो कि सिर्फ दो टाइम का अनाज ही नहीं, उन्हें जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी पैसा चाहिए वो उनके पास नहीं है। ये आप कैसे देखती हैं कि ये मुझे तो बहुत विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए 29 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत सभी एम्प्लॉयर्स को MHA ने ये डायरेक्शन दिया कि आप वर्कर्स को पैसा देंगे, उनका वेतन देंगे, वेतन काटेंगे नहीं चाहे काम हो चाहे ना हो। और ये इसलिए था जिससे कि लोगों के पास लॉकडाउन के कारण ऐसा ना हो कि उनका वेतन बंद हो जाए। जरूरी ऑर्डर था, हम शुरू से ये कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था हमने इसी मामले में कि देखिए ये ऑर्डर जो है इनफ नहीं है, बहुत सारे ऐसे रेड़ी चलाने वाले और बहुत सारे ऐसे डेली मजदूर हैं जिनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो उन्हें वेतन देते हैं रेगुलरली। तो हमारा ये कहना था कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराइए पर साथ ही में और भी लोगों को वेतन दीजिए। तब गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट के अंदर कि हम तो सबका ध्यान रख रहे हैं, MHA का ये ऑर्डर भी है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि कल MHA ने अपना ऑर्डर जो है वो क्वाइटली विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों इस दौरान भूख क्या होती है, भूख से बच्चे कैसे बिलबिलाते हैं, किस तरह से लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम आप छुटपुट ढंग से देख रहे हैं। इसे अगर एक ढंग से आप देखिए, एक जगह इकट्ठा करके देखिए, तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। रोड स्कॉलर्स जो एक समूह है वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्रियों का, डेटा ऑपरेटर्स का, उन्होंने हमारे सामने जो तथ्य रखा है उसके हिसाब से 13 मई तक 600 से अधिक भारतीय नागरिक जो प्रवासी मजदूर हैं, जो सड़कों पर हैं, वे दम तोड़ चुके हैं। और संभवतः इनमें बहुत से वो नाम नहीं होंगे जो रोज रोज अखबारों में आ रहे हैं कि प्रवासी मजदूर सड़क पे जा रहे थे, उन्हें ट्रक से कुचल दिया गया, दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इस तरह की हृदय विदारक, हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज इस समय हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी हकीकत बनी हुई है, और भूख से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। रोड स्कॉलर्स ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके अनुसार, उन आंकड़ों के हिसाब से 87 भारतीय नागरिक भूख और आर्थिक तंगी से मारे जा चुके हैं। हो सकता है इनमें बहुत से नाम ना हों, हो सकता है इनमें सूरत में अभी जो 3 मजदूर जिन्होंने आत्महत्या की गरीबी से तंग आकर, उनका नाम ना हो, लेकिन हमें और आपको शायद वह 5 साल की निमोनी जो झारखंड के लातेहार जिले की रहने वाली है उसकी शक्ल याद रहेगी बहुत लंबे समय तक। हिसातू गांव की निमोनी एक दलित परिवार में पैदा हुई, उसके पिता ईंट भट्टे पर काम करने के लिए बाहर गए, लॉकडाउन में वहीं फंस गए, बाकी सारे बच्चे माँ के साथ गांव में थे। आप सुनिए कलावती को जो उनकी माँ हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से उनके लिए अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा अनाज जुटाना कितना मुश्किल था, और इसी ने, इस भूख ने इस 5 साल की बच्ची की जान छीन ली। प्रबंधन उसी तरह से लगा हुआ है, इसे कभी लू की से मरने की बात बता रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि बीमारी से मौत हुई, लेकिन इस बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं जॉन ड्रेस, उन्होंने बहुत ही सुगठित ढंग से हमारे सामने चीजों को रखा है और बताया है कि किस तरह से सिर्फ यही परिवार नहीं, इस तरह के असंख्य परिवार भारत के कोने में हैं जहां पर यह कोरोना संकट और लॉकडाउन उनकी जान भूख से जा रही है। इस पर अगर हम और आप
आज ध्यान नहीं देंगे तो ये जो मौतें हैं ये हमारे चारों तरफ हैं, आज अदृश्य हैं ये मौतें। हमें डर लगता है सिर्फ अस्पताल में कोरोना से होने वाली मौतों से, लेकिन शायद भूख से मरने वाले लोगों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है और वह तस्वीर हमारे भारत की बहुत डरावनी है। दोस्तों, कोरोना संकट, लॉकडाउन 4, ये तमाम चीजें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं, गरीब को किस तरह से मरने पर मजबूर कर रही हैं, ये तमाम तस्वीरें इस समय की सबसे बड़ी हकीकत है। इसे मुंह मोड़ना देश के हितों से मुंह मोड़ना है। इस बात को बहुत जोर शोर से रखना है कि भारत का कोई भी नागरिक भूख से मरना नहीं चाहिए, भूख से बिलबिलाना नहीं चाहिए, और हम सबको जिस तरह से अधिकार है अपने अपने लोगों के पास रहने का, अपने हक का इस्तेमाल करने का, वह इस्तेमाल करने का हक प्रवासी मजदूरों को भी उसी तरह से देश का संविधान देता है, और इसमें हमें और आपको पूरा विश्वास रखना बेहद जरूरी है। यह बात अगर हम बतौर नागरिक इन प्रवासी मजदूरों के हक में उठा पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, अपने आसपास में उनके पक्ष में माहौल बना सकते हैं, तो शायद ये जो अदृश्य गरीबी है जिसे जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हमारी नजरों से बाहर करना चाहता है वह नहीं कर पाएगा। यह देश के लिए सबसे बड़ी सेवा इस समय होगी। आपसे उम्मीद है कि सच को जिंदा रखने की जो हमारी कोशिश है इसे आप अपने सहयोग से जिंदा रखेंगे। देखिए, लाइक करिए खोशखबर, शेयर करिए, सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश है इसे आप सफल बनाइए। शुक्रिया।